Hello friends, I am Hridesh and today I will teach you articles. What is articles? So articles are the words which are used before noun. They tell us whether the noun is specific or general. Articles noun के पहले use होते हैं और हमें बताते हैं noun specific या फिर general है. So there are two types of articles. Definite articles and indefinite articles. Let's start. What is indefinite articles? A और N क्या होते हैं? Indefinite articles होते हैं. A और N क्या होते हैं? Indefinite articles होते हैं. Let's learn the use of N. N कहाँ पर use होता है? जहां पर भी वोवेल साउंड आता है, जहां पर भी वोवेल साउंड आता है वहां पर क्या आता है? N आता है. What is vowel? A, E, I, O, U. क्या होते हैं हमारे? वोवेल्स होते हैं. A, E, I, O, U क्या होते हैं हमारे? वोवेल्स होते हैं. जहां पर भी वोवेल साउंड आता है वहां पर क्या आता है? N आता है. अम्ब्रेला, अ साउंड देता है अ, सो वी यूज N अम्ब्रेला. ऑरेंज साउंड देता है ओ, सो वी यूज N ऑरेंज. एप्पल, अ साउंड देता है अ, अ इज अ वोवेल, सो वी यूज N एप्पल. ऑनेस्ट, ओ साउंड देता है ओ, सो ओ इज अ वोवेल, सो वी यूज N ऑनेस्ट. And honest. So जहाँ पे vowel sound आए वहाँ पर क्या आता है? N आता है. Let's learn the use of A. A वहाँ पर use होता है. जहाँ पर भी consonant sound आता है, जहाँ पर भी consonant sound आता है वहाँ पर क्या आता है? A आता है. What is consonant? A, E, I, O, U. तो छोड़कर जो भी alphabets बचे हैं वो क्या होते हैं हमारे? Consonant होते हैं. A, E, I, O, U तो छोड़कर जो भी alphabets बचे हैं वो क्या होते हैं? Consonant होते हैं. For example B, C, D, F, G ये क्या होते हैं हमारे? Consonant होते हैं. जहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहां पर क्या आता है? ए आता है. फॉर एग्जाम्पल बॉय, बा क्या आएगा? अ बॉय. वुमेन, वु क्या रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड है. क्या आएगा? अ वुमेन. यूनिवर्सिटी, या क्या है हमारा? वोवेल कॉन्सोनेंट, सॉरी क्या आएगा यहाँ पर? अ यूनिवर्सिटी. राइट, यूरोप क्या है? या क्या क्या हमारा कॉन्सोनेंट? क्या आएगा? अ यूरोप. तो जहां पर भी कॉन्सोनेंट का साउंड आता है वहां पर क्या आएगा? अ. अब आते हैं व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल्स. डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं जो जब भी हम किसी निश्चित व्यक्ति की बात करें फिर निश्चित वस्तु की तो वहां पर द आता है और द हमारा क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल्स होता है. आइए द की यूज पढ़ते हैं. तो जब भी किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है वहां पर क्या आता है? द आता है. द बॉय हु वियर रेड शर्ट, वहां लड़का जिसने रेड शर्ट पहनी है. तो स्पेसिफिक बॉय की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होता है? द. दूसरा यूज होता है जब भी एक नाउन प्री क्लास को रिप्रेजेंट करे, जब भी एक नाउन प्री क्लास को रिप्रेजेंट करे वहां पर क्या आएगा? द आएगा. द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, यहाँ पर एक हॉर्स की बात नहीं हो रही, जितने भी हॉर्स है उन सबकी बात हो रही है, पूरी प्रजाति की बात हो रही है, प्रजाति की बात हो रही है. तो हमारे क्या द हॉर्स, द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल. जब भी एक नाउन क्विथ लास्ट को रिप्रेजेंट करें वहां पर क्या आएगा? द आएगा. जब भी हम रिवर, ओशन, सी, डेजर्ट, केनल्स, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं वहां पर क्या आता है? द आता है. फॉर एग्जाम्पल द सहारा डेजर्ट, द अमेजन रिवर, द नील रिवर. नील क्या है? रिवर, इसलिए यहाँ पर क्या है? द सहारा डेजर्ट. सहारा क्या है? डेजर्ट, इसलिए क्या है? द रहा है. द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज क्या है? ग्रुप ऑफ आइसलैंड, इसलिए यहाँ पर क्या है? द आ रहा है. द हिमालय, हिमालय क्या है? माउंटेन रेंज, इसलिए यहाँ पर क्या रहा है? द आ रहा है. तो जब भी आप ओशन, सी, रिवर, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, केनल्स या फिर डेजर्ट की बात करें वहां पर क्या आएगा? द आएगा. सर्टेन बुक्स का भी क्या आता है? द आता है. ऐसे तो बुक्स से उनका क्या आता है? द आता है. फॉर एग्जाम्पल द रामायण, द वेदास, द पुराण. तो ये क्या जो भी रिलीजियस बुक है या फिर जो सर्टेन बुक्स होंगे ये आता है? द आता है. द जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात होती है, जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात होती है तो क्या आता है? द आता है. द पियानो, द हारमोनियो, द पियानो, द गिटार, तो सब क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. क्या आता है? द आता है. जब भी हम डिकेड्स की बात करें, इन द 1970, इन द 2000, इन द 1980, तो क्या डिकेड्स है? तो डिकेड्स के आते हैं क्या आता है? द आता है. सुपरलेटिव डिग्री क्या आता है? हमेशा क्या आता है? द आता है. द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये क्या सुपरलेटिव डिग्री है? तो सुपरलेटिव डिग्री आते हमेशा क्या आता है? द आता है. ऑर्डिनल्स, तब भी ऑर्डिनल्स आते हैं. ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या होते हैं? ऑर्डिनल्स होते हैं. जब भी ऑर्डिनल्स होते हैं तो उनका ही क्या आता है? द आता है. ऑर्डिनल्स आता है हमें से क्या आता है? द आता है. करेंसी के नेम की हमें से क्या आता है? द आता है. द येन, द डॉलर, द रुपी, तो क्या करेंसी के नेम है. करेंसी के नेम के भी क्या आता है? हमेशा द आता है. तो ये थे हमारे द की यूज. तो ये था हमारा पूरा एक ग्रामर टॉपिक, क्या आर्टिकल्स. तो ये होते हैं हमारे आर्टिकल्स. Hope you liked the video. Thank you so much for watching the video. One change can change your life.